हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज अपना चैप्टर है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, अगर आपको ढंग से करने हैं या फिर आप चाहते हो कि बढ़िया से एकदम आपसे सारे क्वेश्चन हो जाए, तो आप nth टर्म को समझा करो, ठीक है। nth टर्म अगर आपने इस एक्सरसाइज के अंदर निकाल ली किसी भी क्वेश्चन में, तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे बाद में, तो बहुत आसान है। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा रिविजन करवा देता हूँ इसका। तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में ना कुछ ये फॉर्मूले कवर किए थे, पिछले लेक्चर का ही पेज है। तो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज है कुछ, तो जैसे 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ आ गया, तो इसको आप बोलोगे तो क्या सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और अगर ऐसा स्क्वायर आ गया तो आप क्या बोलोगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्यूब आ गया तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। लेकिन सबसे मेन आपको इसको ध्यान रखना है, सम ऑफ डायरेक्ट नेचुरल नंबर है तो के, स्क्वायर्स है तो के स्क्वायर, क्यूब्स है तो के क्यूब। के की वैल्यू अब नेचुरल नंबर अपने आप संभाल लेगा, ये समेशन क्या करेगा, के की वैल्यू 1 रखेगा 2 रखेगा 3 रखेगा, ये हमने सब कुछ डिटेल में देखा है। तो अब इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर ये जो पहला फॉर्मूला इसका होता है एन एन प्लस वन बाई टू, के स्क्वायर वाला थोड़ा अजीब सा होता है, ये होता है एन एन प्लस वन 2n+1/6, और के क्यूब का एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बीच वाला स्क्वायर वाला अलग होता है, बाकी जो सिंपल है एक एक पावर वाला और ये क्यूब वाला वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। क्यूब वाले में पहले वाले फॉर्मूले का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे बहुत ज़्यादा ये यूज में लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, तो आपको यही लगाना है एस एन बराबर समेशन ऑफ ए के की वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है। ऐसे ऐसे फैला के मत लगाना, हाँ एक बार के लिए लगा सकते हो, लेकिन बाद में अल्टीमेटली इसको आप हटा के यही चिपका देना उसके अंदर, ठीक है। और यही हम करेंगे। और यहाँ देखो समेशन है, समेशन को हम यहाँ से डील कर लेंगे यहाँ पे, और समेशन की प्रॉपर्टीज दे रखी है कि समेशन अगर यहाँ पे देखो दो टर्म से बीच में प्लस माइनस आ गया, तो आप समेशन को अलग अलग कर सकते हो अगर मर्जी है तो। अगर इसके साथ में कोई भी टर्म है के वाली टर्म, उसके साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है जिसका के से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल सकते हो। अगर के से लेना देना है तो फिर ये बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही ये चीज़ गलत है, कभी भी ऐसे के वाली दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो आप समेशन को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो समेशन होता है वो प्लस या माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले इसका ऊपर वाली चीज पढ़ लेते, फाइंड दी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दी सीरीज इन एक्सरसाइजेस 1 to 7। अभी जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेके 7 तक, इनके अंदर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है, ठीक है। मतलब एस एन पता करना है, तो वही कंसेप्ट रहेगा अपना सभी क्वेश्चंस के अंदर। सभी क्वेश्चंस के अंदर एक अप्रोच लगी कि भाई आप ए एन की वैल्यू निकालो, एनथ टर्म की वैल्यू निकालो, और उसके बाद में जो मैंने बताया था समेशन ऑफ ए के की वैल्यू 1 से लेकर n तक वो लगा दो, और क्वेश्चन अपने आप चल पड़ेगा। लेकिन मेन दिक्कत यही आती है कि nth टर्म कैसे पता करें, ठीक है। वो nth टर्म पता करते आपका 90% काम हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5। तो अगर आप इनकी वैल्यूज निकालोगे और फिर देखोगे कि ये क्या है, तो ये ना तो AP मिलेगी और ना ही GP, ये एक बस सीरीज है, एक सीक्वेंस है। आपको इनको जोड़ के बताना कितना आंसर आएगा। हाँ सीक्वेंस है तो एक पैटर्न जरूर होगा, उसी पैटर्न से हमें मदद भी मिलेगी। तो करते हैं अब इसको। ये है देखो दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स बोला है। ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ये कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये कौन सी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, A4। अपना क्वेश्चन काफ़ी हद तक 90% किस पर टिका है, nth टर्म पर टिका है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे nth टर्म निकालूंगा, nth टर्म मतलब ए निकालूंगा। तो क्या आप पैटर्न पकड़ पा रहे हो, A1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 × 2। चलो आगे देखो, A2 की जगह क्या आएगा, 2 × 3। आई कुछ फीलिंग आई। A3 की जगह क्या आएगा, 3 × 4। फिर A4 की जगह क्या आएगा, 4 × 5। तो अब A5 के अंदर क्या आएगा, 5 × 6 कुछ फीलिंग आ रही है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे पहला नंबर 4 हो गया, और अगला वाला ये 5, ये कैसा आया, इस 4 में एक जोड़ने से उससे अगला ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे An में क्या आएगा, n × n+1 आ जाएगा। क्लियर है, ये आसान है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई A4 ये है 4 × 5, तो A100 क्या होगा, तो आप क्या करोगे 100 × 101, ठीक है, तो वो A100 बन जाएगा। तो ऐसे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं nth टर्म निकालने के लिए, और कुछ क्वेश्चन में हमें माथापच्ची करनी पड़ती है nth टर्म निकालने के लिए। आसान क्वेश्चन है तो आ गया फटाफट।
अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करो, तो ए एन क्या हो जाएगा, आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो एन एन इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन इंटू वन एन बन गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब हमें चाहिए एस एन। एस एन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए के, और के की वैल्यू क्या है, वन से लेके एन तक, ये मैंने बोला था, ये आपको लगाना है। ठीक है, जब भी एन टर्म्स आए, इसका मीनिंग क्या है, देखो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, ए वन ए टू ए थ्री फिर लास्ट में ए एन तक, सबको जोड़ना, तो ये वही तो है समेशन ऑफ ए के। लेकिन इससे ना अपने जो फॉर्मूले हैं वो लगाने से आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ रूल्स के अंदर बांध रहा हूँ। ठीक है, आप उन रूल्स के अंदर रहोगे तो बहुत आसानी होगी। देखो तो एस एन इक्वल टू, अब यहाँ पर तो ए के है, यहाँ पर क्या है ए के, और यहाँ पर क्या मिला हमें ए एन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए एन क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन, तो ए के क्या होगा, के स्क्वायर प्लस के, जैसे ए 100 क्या होगा, 100 स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, तो एन की वैल्यू रखनी है हमें के, तो समेशन ऑफ ए के की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, वन से लेके ऊपर एन तक, एन टर्म्स है तो एन तक। अगर यहाँ पे ऐसा होता सम ऑफ 100 टर्म्स, तो के की वैल्यू वन से लेके 100 रख देता मैं। सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, तो यहाँ पे के की वैल्यू वन से लेके एन माइनस वन रख देता। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन कुछ भी बदल सकता है। खैर ये क्या बन गया, इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बोला था अभी रिवीजन करते टाइम कि यहाँ पे जो समेशन होता है वो प्लस या माइनस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आप अलग अलग कर दो यहाँ पर, है ना, अलग अलग समेशन लगा दो। समेशन ऑफ के स्क्वायर अलग हो जाएगा और समेशन ऑफ के अलग हो जाएगा, के की वैल्यू रहेगी तो सेम वन से लेके एन तक, के की वैल्यू वन से लेके एन तक, बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब समेशन ऑफ के स्क्वायर क्या होगा, समेशन ऑफ के क्या होगा, तो ऐसा है ना एकदम सीक्वेंस में लग रही सारी चीज़ें, आप ये निकालोगे फिर ये लगेगी फिर उसके बाद में ये लग जाएंगे। ठीक है, पहला ये लग जाएगा, दूसरा ये लगेगा, तीसरा ये लग जाएगा, सब सीक्वेंस में। तो समेशन ऑफ के की जरूरत पड़ रही है, ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पर, के स्क्वायर वाले में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ चेंज भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और यहाँ पर एन एन प्लस वन बाय टू, कुछ कॉमन वॉमन लेके क्वेश्चन को एक्सप्रेशन को आसान बना देते हैं। एन कॉमन आ रहा है, एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, नीचे सिक्स है, नीचे से टू कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कॉमन, ये पूरा ही उठा लेता हूँ, एन एन प्लस वन बाई टू, क्या बच गया, यहाँ पर बच गया टू एन प्लस वन बाय, नीचे से टू कॉमन लिया तो नीचे से ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स से थ्री हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये पूरा उठ ही गया तो यहाँ पे वन बच जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर है ये एन एन प्लस वन, ऊपर की तरफ एलसीएम ले ले तो क्या बन जाएगा, थ्री जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थ्री और यहाँ पे एक है तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू एन प्लस फोर डिवाइड बाई, नीचे कितना है टू इंटू, और ये एलसीएम लिया था थ्री। अब देखो ये टू जो है इस टू एन प्लस फोर को काट सकता है, तो टू इस टू एन प्लस फोर को काटेगा तो टू से टू कट जाएगा तो एन, और यहाँ पे जो प्लस फोर है उसकी जगह प्लस टू बच जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आंसर क्या आएगा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री, बस इतना सा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अब अपना क्वेश्चन नंबर टू है, वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर थ्री। अब देखो इसके अंदर क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पर दो दो नंबर आ रहे थे, यहाँ पर कितने आ गए, तीन तीन नंबर आने लगे, तो अब भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या निकालो, सबसे पहले nth टर्म निकालो, फिर s n वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे रख देंगे, समेशन को अलग अलग कर लेंगे, लास्ट में फिर वो जोड़ने वाले फॉर्मूले हम लगा देंगे, तीन फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अपना काम, nth टर्म निकालना। nth टर्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन दिस एक्सरसाइज। nth टर्म क्या है, ए एन, चलो देखते हैं ये कौन सी टर्म है, ए वन, ये कौन सी टर्म है, ए टू, ये कौन सी टर्म है, ए थ्री। तो यहाँ पर A1 में क्या आया, एक से शुरुआत हुई, A2 में टू से शुरुआत हुई, A3 में थ्री से शुरुआत हुई, तो An में क्या होगा, N से शुरुआत होगी, फिर सबके अंदर तीन तीन नंबर है, तो ऐसे पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर ऐसा हो जाएगा। जैसे A3 में थ्री से स्टार्टिंग हुई तो अगला नंबर जो दूसरा वाला है ये क्या आया, फोर आया, मतलब थ्री में एक जुड़ गया, फिर थ्री में दो जुड़ जाएंगे तो वो पाँच मिल जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, एन प्लस वन, एक जुड़ गया, फिर इसमें दो जोड़ देंगे तो एन प्लस टू। ठीक है, तो अब ए एन हमें मिल गया, अब डायरेक्ट हम एस एन पर आ जाते हैं, हमें चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स एस एन। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, सदाबहार फॉर्मूला, ये ए पी जी पी या फिर कोई ए पी जी पी ना हो उसके अंदर, सब के अंदर ये लगा सकते हो। क्या हो गया, समेशन ऑफ ए के वैल्यू वन से लेके एन तक। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो
तो आप इससे थोड़ा लिंक बना लो। एस एन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम, तो ए वन ए टू ए थ्री ऐसे ए एन तक, और इन सबको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन की मदद से। समेशन में क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि बाद वाले जो फॉर्मूले वो भी अपने किस में चल रहे हैं, समेशन में चल रहे हैं। खैर एक एक की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना यार ब्रैकेट ओपन ओपन कर लेते तो आसानी हो जाती, चलो बाद में कर लेंगे, इसके अंदर कर लेंगे, वैसे कर लेते यहीं पे तो ठीक रहता, लेकिन अब इसको आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, समेशन ऑफ ए के की जगह क्या आएगा, ये क्या है ए एन है, तो ए के क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर, एन की जगह क्या आ गया, फिर एन प्लस वन तो के प्लस वन, एन प्लस टू के प्लस टू, यहाँ पे के की वैल्यू वन से लेके एन तक। फिर एस एन इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लेते हैं सारे, समेशन ऑफ के की वैल्यू वन से लेके एन तक, ये के तो बाहर रखो, के प्लस वन इंटू के प्लस टू, पहले ये कॉम्प्लिकेटेड है इसको निपटा लो, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर वन टू थ्री के इंटू वन इंटू टू, कितना हो गया ये टू हो गया, एक बार और खोल देते हैं, तो एस एन इक्वल टू यहाँ पे बन गया समेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा के इंटू के स्क्वायर के क्यूब, के इंटू थ्री के, थ्री के स्क्वायर के इंटू टू, टू के बन गया, के की वैल्यू वन से लेके एन तक हो गया। अब समेशन क्या बोलता है, सबको अलग अलग कर दो क्योंकि अपने पास फॉर्मूले अलग अलग जल्दी से निकल लग जाएगा वो। एस एन इक्वल टू के क्यूब का समेशन अलग हो गया, समेशन ऑफ के क्यूब, थ्री के स्क्वायर का जो थ्री है वो तो बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ के स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो होता है वो अगर इसको थ्री को कोई कैसे लेना देना नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा। फिर समेशन ऑफ टू के, तो टू तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ के अंदर बच जाएगा। वही के की वैल्यू क्या है, वन से लेके एन तक, के की वैल्यू वन से लेके एन तक, के की वैल्यू वन से लेके एन तक, बीच में सबके बीच में क्या प्लस प्लस है, तो आप क्या लगा दोगे प्लस एंड प्लस। एस एन इक्वल टू ये क्या बन गया, एन तक, के की वैल्यू वन से लेके एन तक जा रही, तो एन आंसर तो एन में आएगा एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला ना, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, थ्री तो बाहर खड़ा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स आ जाएगा। फिर प्लस टू तो यहाँ पर है, फिर समेशन ऑफ के, ये क्या बन जाएगा एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो अब आप इसको 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 सोल्व कर सकते हो ना, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तब तक करना कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, और कॉमन नहीं आ रहा उतना अंदर की तरफ बच जाएगा, जैसे यहाँ पर ये, और फिर इसको हम जो भी काटा पिटी करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ आपके भरोसे, आप इसको आगे प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें बोला है थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू स्क्वायर प्लस सेवन इंटू थ्री स्क्वायर प्लस, ऐसा चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन कर लेंगे। यहाँ पर आप पैटर्न में देखोगे, जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो हमेशा क्वेश्चन तो यही होता है कि nth टर्म क्या होगी। ठीक है, nth टर्म यहाँ पर क्या होगी हमें बताना है, तो nth टर्म का देखते हैं क्या पैटर्न बनता है, हम कैसे कैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें सूझबूझ ही काम आती है, कि आपको बस ऐसे फीलिंग से देख लेना है कि भाई अगला ये है, उससे अगला ये, उससे अगला ये, तो ऐसे क्या चलता चला जा रहा है। ठीक है, nth टर्म मतलब an हमें बताना है। यहाँ पर हर एक टर्म में आप दो चीज़ों पर गौर करना है, एक तो वो चीज़ जिसका स्क्वायर है, एक वो चीज़ जिसका स्क्वायर नहीं है। तो पहले स्क्वायर वाली चीज़ देख लेते हैं, वो आसान लग रही है, जैसे यहाँ पे ए वन है तो यहाँ पे वन का स्क्वायर है, यहाँ पर ए टू है तो यहाँ पे टू का स्क्वायर है, यहाँ पर ए थ्री है तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर है, तो ए एन में मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये थोड़ी सी हमें डिफरेंट लग सकती है, पहली टर्म में नंबर आया थ्री, दूसरी टर्म में नंबर कितना आया फाइव, तीसरी टर्म में ये पहला नंबर क्या आया सेवन, तो ऐसे चौथी टर्म में क्या आएगा। आप एक चीज़ तो ये है कि भाई ओड नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये थ्री फाइव सेवन ऐसे, ये सारे नंबर ये कैसे हैं, ओड नंबर्स हैं, है ना, और ओड नंबर्स का क्या पैटर्न होता है, या तो टू एन माइनस वन वाला पैटर्न होगा या फिर 2n प्लस वन वाला पैटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी नंबर्स 3 से स्टार्ट हो तो ऑब्वियसली 2n प्लस वन वाला पैटर्न होगा। कैसे,
हमें जैसे यहाँ पर क्या है, हमें एन 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 से डील करना ना, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है। ये एन की वैल्यू वन हो गई, ये एन की वैल्यू टू हो गई, एन की वैल्यू थ्री हो गई, है कि नहीं है। तो एन की वैल्यू आप वन रखो एक बार इसके अंदर, पहले वाले में, टू एन माइनस वन में। तो एन की वैल्यू वन रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू इंटू वन माइनस वन, तो वन मिलेगा। फिर एन की वैल्यू टू रखोगे तो टू इंटू टू, फोर माइनस वन, थ्री मिलेगा। फिर अगली बार फाइव मिलेगा, ऐसे नंबर मिलेंगे। और टू एन प्लस वन में अगर आप एन की वैल्यू वन रखोगे तो टू इंटू वन, टू प्लस वन थ्री, तो थ्री मिलेगा पहले, फिर क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, फिर सेवन मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कब कहाँ से स्टार्ट हो। तो हमें ओड के, ओड नंबर रखने के दो फॉर्मूले होते हैं, टू एन माइनस वन या टू एन प्लस वन, तो कब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी फीलिंग है, थ्री फाइव सेवन, इनको अगर आपको वन टू थ्री से लिंक करना है तो ऑब्वियसली टू एन प्लस वन नंबर ओड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वन से स्टार्ट हो रहे ओड नंबर तो फिर टू एन माइनस वन बन जाएगा, अगर और कहीं से स्टार्ट हो रहे तो वो उसी केस में टू एन प्लस कुछ ना कुछ और आ जाएगा, या फिर माइनस कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थ्री फाइव सेवन ये पैटर्न चल रहा है ना, तो हमें टू एन प्लस वन वाला, ये वाला पैटर्न हमें लगाना है। तो यहाँ पे आगे की तरफ कौन आ जाएगा, एन स्क्वायर के साथ में टू एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें पता कर ली, सारे कॉम्पोनेंट हमने पता कर लिए, तो ये ए एन आ गया। ए एन को इसका फॉर्मूला खोल दो अब, क्योंकि अब अपना 90% काम हो चुका है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा ब्रेक और कर दो और फिर हम एस एन वाले फॉर्मूले पे चले जाएंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर टू एन इंटू एन स्क्वायर, तो टू एन क्यूब बन जाएगा, प्लस वन इंटू एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ए एन मिल गया। अब हम, क्योंकि हमें यहाँ पे सम निकालना है, तो अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ए के, सारी टर्म्स का समेशन, सारी कैसे, के की वैल्यू वन से लेके एन तक रखेंगे तो हमें सारी टर्म्स एन टर्म्स मिल जाएगी, इक्वल टू ए के की क्या वैल्यू है, ए एन की वैल्यू ये है, तो ए के की, ए एन की वैल्यू क्या है, एक बार बोलो, टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, तो ए के क्या आ जाएगा, टू के क्यूब प्लस के स्क्वायर, और वो ये लिमिट्स तो लगी जाएगी के की वैल्यू वन से लेके एन तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समेशन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एस एन इक्वल टू, तो टू तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है जो कि बाहर आ जाएगा, फिर के क्यूब, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और जो के स्क्वायर वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, एक तो ये लग जाएगा और ये लग जाएगा। तो ये एस एन इक्वल टू क्या हो गया, टू इंटू के क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, अब तक याद हो जाना चाहिए, के एन, ये आप बन जाएगा एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर वाला फॉर्मूला एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन ओमन आ रहा है तो कॉमन ओमन ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसको देखो, एन एन प्लस वन कॉमन आ रहा है यहाँ, क्योंकि एन एन देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो क्या करेगा, एन का स्क्वायर। एक बार थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ, एस एन इक्वल टू ये टू इंटू ये एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सब कुछ स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे टू है तो टू का स्क्वायर चार आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, टू इस फोर को काटेगा तो नीचे टू आ जाएगा। यहाँ पर एन है और एन प्लस वन है, यहाँ पर नीचे टू भी है और इसके पास भी नीचे टू है, इधर एन स्क्वायर है तो एन तो ऑब्वियसली है ही और एन प्लस वन भी है। तो मैं ये चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, क्या एस एन इक्वल टू, एक तो एन कॉमन ले लेता हूँ दोनों में है, एक एन प्लस वन कॉमन ले लेता हूँ दोनों में है, नीचे की तरफ टू कॉमन ले लेता हूँ दोनों में है। ठीक है, आगे आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, एक बार मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर एन एन प्लस वन कॉमन ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर थे तो एक एक बच जाएंगे, एन एन प्लस वन फिर भी बच जाएंगे, डिवाइड बाई कुछ नहीं बचेगा, नीचे टू था तो टू हमने कॉमन निकाल लिया वन, प्लस यहाँ पर नीचे की तरफ सिक्स है ना, सिक्स में से टू कॉमन निकाले तो थ्री बच जाएगा, एन एन प्लस वन को मैंने कॉमन उठा लिया, क्या बच जाएगा, टू एन प्लस वन। अब एलसीएम एलसीएम लेके इसको ख़त्म करने का है तो क्या बनेगा, ये एस एन इक्वल टू बाहर है एन एन प्लस वन बाय टू, अंदर की तरफ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर वन और थ्री का एलसीएम क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, और फिर थ्री जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है एन इंटू एन प्लस वन, तो ये एन स्क्वायर प्लस एन हो गया ना, तो थ्री जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन से, है ना, वो ब्रैकेट मैंने दिमाग में खोल भी लिया। और ये इधर क्या है, ये इससे ये वन जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, टू एन प्लस वन ही मिल जाएगा हमें। तो एस एन यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एन एन प्लस वन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर थ्री, थ्री इंटू एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर, थ्री इंटू एन, थ्री एन, फिर प्लस का टू एन प्लस वन, तो ये हो गया एन एन प्लस वन बाई टू। और यहाँ पर क्या हो गया, ये थ्री एन स्क्वायर, ये क्या हो गया, फाइव एन प्लस वन डिवाइड बाई थ्री,
तो अब जितना सोल्व करोगे उतना ही ठीक है, बाकी आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो। 2 × 3 = 6 हो गया, और इधर ऊपर की तरफ n, n प्लस वन, और यहाँ पे 3n² + 5n + 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना कहाँ तक इसको लेके जाना है। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।